चढ़ती कला। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। देश के इतिहास में वैसे तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं 23 मार्च की तारीख पर दर्ज हैं, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव की फांसी दिया जाना भारत के इतिहास में दर्ज इस दिन की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साल 1931 में क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दी गई थी। इस दिन को भारत में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को भारत हमेशा याद रखेगा। ये ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक सम्मेलन वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी टीबी मुक्त पंचायत पहल का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री एक दिन के इस दौरे में वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने वाले हैं। केंद्र सरकार पंजाब में करतारपुर गलियारे की तर्ज पर शारदा पीठ तीर्थ यात्रा के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक गलियारा खोलने का प्रयास करेगी। इसके लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी पड़ेगी और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तीतवार में नियंत्रण रेखा को फिर से खोलने की जरूरत होगी, जिसे अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुपवाड़ा जिले के तीतवाल में शारदा देवी मंदिर का वर्चुअली उद्घाटन करने के बाद यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर में शारदा पीठ मंदिर के करतारपुर साहिब शैली का गलियारा बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने करना में शारदा देवी मंदिर के दोबारा बनाने को शारदा सभ्यता और कश्मीर की मूल लिपि शारदा लिपि की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव की शक को नमन किया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि जिनके कारण आज हम आजादी और मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं, हमारे शहीदों ने हमें पहचान दी, देश की सेवा करने के लिए रास्ता दिया। आज शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव जी की देश खातिर दी शहादत को दिल से नमन करते हैं। बता दें कि पंजाब विधानसभा बजट के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव में हेरिटेज स्ट्रीट बनने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह विरासती गली जहां पंजाब के राष्ट्रीय आजादी संघर्ष में डाले बेमिसाल योगदान को दिखाएगी, वहीं नौजवानों को देश के हित काम करने के लिए प्रेरित करेगी। मोदी सरनेम बयान मामले पर फैसला किया है। सूरत कोर्ट ने इस मामले संबंधी राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गांधी को 2 साल की सजा का फैसला सुनाया है। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उसके उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा के नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने पिछले हफ्तों दोनों पक्षों के दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए आज 23 मार्च की तारीख तय की थी। 13 मार्च से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण लगातार 7 कामकाजी दिनों तक लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई नहीं हो पा रही है और न ही कोई अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य हो सका है। ऐसे में आज फिर से शुरू हुए सत्र में दोनों तरफ से हंगामा जारी है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने दोनों पक्षों से अपील की कि वो अपने अपने मुद्दों को अलग रखकर सदन की कार्रवाई को चलने दे, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे। फिलहाल सदन चलने के आसार अब भी नजर नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में साल 2023 के लिए प्रथम चरण में 54 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में 3 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण और 47 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए।
छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका उषा को पद्मश्री से नवाजा गया। उन्होंने सम्मान लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के पैर छूकर सम्मान ग्रहण किया। गुजरात की रहने वाली हीराबाई बेन को पद्मश्री से नवाजा गया। उन्हें सिद्धी समुदाय के उत्थान के लिए ये सम्मान दिया गया है। हीराबाई ने राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ रखा, वही झोली फैलाकर पीएम मोदी के लिए भगवान से प्रार्थी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। पंजाब पुलिस का अमृतपाल सिंह अरेस्ट ऑपरेशन अब भी जारी है। वरिष्ठ पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के सात समर्थकों की आज कोर्ट में पेशी है। सभी को चार दिन की रिमांड पर भेजा गया था। इन सभी को शनिवार को अमृतपाल सिंह के काफिले से पकड़ा गया था। उधर पुलिस बारीकी से अमृतपाल के परिवारों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कंपनी से अमृतपाल के घर लगे वाईफाई का पिछले 6 महीने का डाटा भी मांगा है, ताकि उनका रिकॉर्ड खंगाला जा सके। वहीं अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से भी पुलिस पूछताछ करने में लगी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। इससे पहले दिल्ली में आपने पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाया, जिसमें लिखा था कि मोदी हटाओ देश बचाओ। वहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल मंडी हाउस के पास लगे पोस्टर में दिल्ली के मुख्यमंत्री की तस्वीर है और लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को हटाओ दिल्ली बचाओ। इसके अलावा केजरीवाल को पोस्टर में बेईमान, रिश्वतखोर और तानाशाह भी बताया गया है। वहीं से पहले दिल्ली शहर में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे, जिसके एवज में दिल्ली पुलिस ने करीब 100 एफआईआर दर्ज की और 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। असम मिजोरम बॉर्डर पर पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए देश भर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। देश के एक राज्य से दूसरे राज्यों में सप्लाई होने वाले ड्रग्स की खेप को पकड़ने के लिए गंभीरता से काम किया जा रहा है। ताजा मामला पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम और असम से सामने आया है, जहां ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की गई है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। चंफाई के रुआतलांग इलाके से 41 वर्षीय एक व्यक्ति को नशीला पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जब्त मादक पदार्थ व आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। पिछले साल दिल्ली के मेहरौली इलाके में हुई श्रद्धा वालकर की हत्या जैसी ही वारदात कोलकाता के बाहरी इलाके से भी सामने आई है, जहां एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने और उसकी लाश को 3 टुकड़ों में काटने के बाद एक तालाब के पास दफनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शरीर के टुकड़े कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में विष्णुपुर पुलिस स्टेशन के अंदर आते शारदा गार्डन इलाके से बरामद किए गए। आरोपी अलीम शेख को उसके पत्नी मुमताज शेख की हत्या के आरोप में हिरासत में लिया गया है और शरीर के अंगों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा गया है। आरोपी ने अभी तक इतना घिनौना कदम उठाने के कारण का खुलासा नहीं किया है। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़दी कला फास्ट न्यूज।